हम विजिट के लिए पहुंच चुके हैं ग्रैंड बाजार। ग्रैंड बाजार वो दुनिया का पहला तारीखी बाजार है जो कि सबसे पहली कमर्शियल मार्केट गिनी जाती है, दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल मार्केट गिनी जाती है। इसकी ज़्यादा तारीख तो मैं स्टडी नहीं कर सका लेकिन बहुत ही ओल्ड है और ये वाहिद ऐसा बाज़ार है कि जो बकायदा कह लें कंस्ट्रक्ट है और जिसकी बकायदा छत है। हर किस्म की शॉप्स हैं, बहुत कह लें कि खूबसूरत शॉप्स हैं। ये भाई हमारे तुर्की से यानी हर शॉप के दरवाजे पे बंदा खड़ा हुआ है जो कह रहे हैं कि शॉप में इन्होंने के लिए कह रहा है फॉर शॉपिंग, ठीक है। बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत लंबा और लेंथी बाज़ार है, पुराना ओल्डेस्ट और इसका नाम ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार और ओल्ड बाज़ार दुनिया का ये सबसे पहला बाज़ार है और इसके आगे फिर ये छोटे छोटे लिंक बाज़ार हैं। और मुझे याद आ रहा है लाला मूसा का मेन बाज़ार, मेन बाज़ार में भी ऐसे छोटे बाज़ार को रास्ता जाता है, दिनी यकीन के बाज़ार को रास्ता जाता है, इस तरह का सीन है। बाज़ार के बिल्कुल सेंटर में हम खड़े हैं और ये हम भी आ गए। अब भी देखिए सूरत हाल क्या है, सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा रश है, गैदरिंग है। संडे को हमारा इधर टूर था लेकिन संडे को मसला ये बना कि संडे को ये बाज़ार ऑफ होता है तो सो फिर हमारा ये टूर पोस्टपोन कर दिया गया और इसकी जगह हमें दूसरी जगह दिखाई गई। आज हमें स्पेशली यहाँ भेजा गया है कि आज हम ग्रैंड बाज़ार का विज़िट कर लें। यहाँ शॉपिंग वाली दुकानें हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कि जिसे देखे बगैर आप रह नहीं सकते, लेकिन बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्टेड बाज़ार है और इसके साथ ये लिंक बाज़ार है। मैंने इसी तरह के बाज़ार ईरान में भी देखे थे, बहुत खूबसूरत इसी तरह के कंस्ट्रक्ट बाज़ार, कंस्ट्रक्ट रोडेज। मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ गुम हो गए, किधर चले गए, एनीवे और भी डिटेल जो होगी मेरे पास, मैं मुझे कोई स्पेशल चीज़ जहाँ नज़र आई मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। इतना मैं बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 13वीं या 14वीं सदी में कंस्ट्रक्ट किया गया और इसके दरवाजे हैं बाकायदा, दरवाज़ों पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ख्याल रखे हुए। हाँ ये इस रेनोवेशन इसकी की गई 1955 में। बेसिकली ये है मेरे ख्याल से 1385 या 1285 में, 85 में ये बनाया गया बाज़ार। बाकी जो डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह गूगल से चेक करके या अपना गाइड हमारा आता है तो उससे पूछ के वो मैं जब अपलोड करूँगा ना वीडियो उसके साथ लिख दूँगा।